आपका ड्रीम था सर हमको मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दीजिए, बिल पेमेंट जो भी यूटिलिटी बिल है आप घर में, जो स्कूल फीस से लेकर जो भी बिल आप पेमेंट कर रहे हो सब इधर माइनेट में आने वाला है। शॉपिंग ग्रोसरी से लेके जो भी आप शॉपिंग कर रहे हो वो भी आ रहा है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए जो भी बुकिंग कर रहे हो उधर से भी हो रहा है, हो जाएगा अभी आप फास्ट दिन में नहीं मिलेगा मगर ए प्लानिंग है। बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, ये सारा चीज सर्विसेस माइनेट एक वन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म में आने वाला। ये जो प्लान है बहुत बड़ा लेवल का ड्रीम है और ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल रनिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हम लोग है। आप भी हो जाइए, इधर घबराने का कुछ नहीं है, छोटा छोटा कदम आपको बहुत दूर तक लेके जाए। देखो ये है मास्टर प्लान हम लोग का, जो कि वो में अभी एग्जिस्टिंग SBI अकाउंट होल्डर है जिनका पास सेलेबल कॉइन बहुत अच्छा खासा है या स्टेकेबल कॉइन बहुत अच्छा खासा है, कॉइन आने वाला है ईयरली, उनके लिए ये ब्लू प्रिंट आपको रखना चाहिए, पकड़ में रखना चाहिए, फोटो खींच और सबको बोलना चाहिए, आपको कुछ सीखना चाहिए। क्या करना है अभी हम लोग का एक्टिविटीज क्या है, सेविंग अकाउंट में हम लोग का कॉइन है अभी वो लॉकर में, जब लॉकर से बाहर आएगा उसका वैल्यू अनलॉक होगा, वैल्यू निकलेगा, क्या वैल्यू है। SBI अकाउंट से आपका कॉइन जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, नहीं ले सकते किधर, सिर्फ OTT मंथली सेलेबल कॉइन आप डायरेक्ट माइनेट में ले सकती हो, दूसरा किसी भी सोर्स से कॉइन आया हुआ कॉइन डायरेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है BCT, आप BCT में ट्रांसफर करके लेके आना पड़ेगा। कैसे आएगा, सपोज आपके पास 120 सेलेबल कॉइन है SBI अकाउंट में, इसको 12 में डिवाइड करो, 10 लेके आओ, हर महीना का कोटा जो है वो कोटा आपको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट महीना क्या होगा, आपको डबल कोटा नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा मैं इस महीना में नहीं लिया, नेक्स्ट महीना में डबल लेके जाऊंगा, नहीं हो रहा, इसलिए हर महीना का कोटा आप कंप्लीट कीजिए, SBI अकाउंट से BCT को डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर करने के बाद इधर कॉइन हम लोग का SBI अकाउंट से BCT में आ गया, BCT में आने के बाद इधर कॉइन का प्राइस, फास्ट कॉइन का प्राइस अनलॉक हुआ 100 रुपीज, मिनिमम प्राइस गारंटी हो गया 100 रुपीज, 100 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से ऊपर जा सकता है, नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है, वो सील किया गया है। तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपको रुपया जरूरत है, आपके पास बहुत कॉइन है तो 100 में सेल करो, बैंक में रुपया लेके जाओ, आपका रुपया का जरूरत है, ट्रस्ट थोड़ा कम है फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, तो आप उसको सेल करके बैंक में विड्रॉ लेके जाओ। विड्रॉ नहीं लेना है, आप समझ रहे हो मैं 100 रुपीज के लिए किबो में नहीं आया, मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, तो आप वो बैंक को बैंक में पेमेंट विड्रॉ ना लेके उसी पैसा से दोबारा कॉइन को 100 रुपीज में बाई करो, दोबारा इधर कॉइन BCT में बाई करो। BCT में बाई करने से क्या फायदा मिलेगा आपको, आपका जो कॉइन सेविंग अकाउंट वाला कॉइन था वो कन्वर्ट होके BCT वाला कॉइन हो गया, BCT वाला कॉइन होने से एक कॉइन आपका 250 का गारंटी मिलेगा, जो 100 का SBI अकाउंट कॉइन गारंटी था, BCT वाला कॉइन 250 मिनिमम का गारंटी हो जाएगा, ठीक है। उस कॉइन को आप ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तीनों ऑप्शन मिल जाएगा, BCT से इधर आ जाएगा माइनेट में, जो 500 का हिसाब से आप यूज कर सकती हो, इधर आ गया KGC ग्रुप में, KGC ग्रुप में किसी भी प्रोजेक्ट में आप 500 का हिसाब से यूज कर सकती हो,
पीसीटी में 100 रुपीज में बाई किया हुआ कॉइन, इधर से नया पर्सन भी, किसी का पास अकाउंट सेलेबल कॉइन नहीं है मगर पैसा है, वो कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो ओटीटी का जरिए से उनको एंट्री कराओ, एंट्री करके पीसीटी में कॉइन को बाई कराओ 100 रुपीज में। पीसीटी में बाई करेंगे तो वो जैसे हम लोग के ओल्ड पर्सन है उसी हिसाब से उसी लेवल में वो आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे और एक ऑप्शन आ रहा है कॉइन को ट्रांसफर करने के लिए वॉलेट एक्सचेंज में, पीसीटी में वॉलेट एक्सचेंज में कॉइन को ट्रांसफर कर लेके आया, इधर भी आपके पास ऑप्शन है, आप एक कॉइन को सेल करो, आपका रुपया का जरूरत है तो सेल करो, बैंक में लेके जाओ, आपको लगता है 250 रुपया के लिए मैं नहीं आया मुझे और चाहिए, तो ये रुपया को विड्रॉ मत लो, या नया रुपया डालना है तो डालो, नहीं तो इस रुपया को विड्रॉ ना लेके दोबारा इसमें बाई करो, वॉलेट एक्सचेंज में दोबारा कॉइन को बाई करो 250 का हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, बीसीटी वाला कॉइन आपका नाम चेंज होके वॉलेट एक्सचेंज वाला कॉइन हो जाएगा, होने से 250 का जो मिनिमम प्राइस था इधर 500 का गारंटी हो गया, मिनिमम प्राइस वॉलेट एक्सचेंज वाला का मिनिमम प्राइस 500 हो जाएगा, 500 जब हो जाएगा आप उसको माइनेट में, इसको माइनेट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ जाएगा, माइनेट में 250 से जो आप कॉइन बाई किया वॉलेट एक्सचेंज में इधर 750 में यूज कर सकती हो, और नीचे के एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकती हो, के एक्सचेंज में जो ट्रांसफर हो जाएगा कॉइन इधर मिनिमम 500 का नीचे सेल नहीं होगा, वॉलेट एक्सचेंज का कॉइन बाई किया गया कॉइन मिनिमम 500 का आपको गारंटी देता है, वॉलेट के एक्सचेंज में, वॉलेट एक्सचेंज में आपको ट्रांसफर किया के एक्सचेंज में 500 का गारंटी मिलेगा, प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं होगा, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर, जो ओल्ड पर्सन है मेरा ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सर आप इतना बार बार बोल रहे हो ना हमको विरक्त लगता है, मगर जो नया पर्सन है इसलिए मैं उनको रिपीट करके बोल रहा हूँ जैसे आपका मन में कोई भी शंका ना आए, ठीक है। 500 का गारंटी मिलेगा के एक्सचेंज में, इधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो 500 में बाई हो जाएगा कॉइन, सॉरी इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसको सेल करो 500 में, बैंक में लेके जाओ। देखो हर स्टेज में आपको बैंक लेने का ऑप्शन है, कोई बोल नहीं सकता हमको ब्लॉक कर दिया गया है, आपको हर स्टेज में बैंक में जाने के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, आप विड्रॉ करके बैंक में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं चाहिए 500 का प्राइस, आपको चाहिए बड़ा प्राइस, तो आप कॉइन को जो सेल किया गया कॉइन दोबारा इधर बाई करो, बाई करने से क्या होगा, वॉलेट एक्सचेंज का कॉइन हटके एक एक्सचेंज वाला कॉइन हो जाएगा, के एक्सचेंज वाला कॉइन को माइनेट में ट्रांसफर करो, इधर आपका 500 में बाई किया हुआ कॉइन 1250 में सेल होगा, सेल नहीं यूज होगा, इसका बाद हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वॉलेट एक्सचेंज से ग्लोबल एक्सचेंज, जब ग्लोबल एक्सचेंज में हम कॉइन को ट्रांसफर करेंगे और इधर उसको सेल करके बैंक में ले सकते, नहीं तो हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएगा किसी भी वर्ल्ड का जो एक्सचेंज में हम लोग का किको कॉइन लिस्टिंग होगा उसी एक्सचेंज में हम लोग का कॉइन ट्रांसफर हो जाएगा, ये कॉइन हर बंधन से आपको मुक्त हो जाएगा, ये आपका 100% आपका कॉइन हो जाएगा, आप उसको सेल करो, होल्ड करो, स्वैपिंग करो, किसको भी दूसरा एक्सचेंज में सेंड करो, कोई रोक टोक नहीं है, और इधर कॉइन प्राइस 750 का ऊपर जाने वाला है, क्यों, जब माइनेट में 1250 में यूज हो रहा है वही बंदा क्यों उसको कम में सेल करेगा, 1000 रुपया या 1200 रुपया में नीचे सेल करेगा, 100% ऑब्वियसली वो ऊपर में जाएगा, तो ये है ब्लू प्रिंट कि वो कॉइन कैसे आराम से 100 रुपया से लेके 1000 रुपया तक वो ऑटोमेटिक चलते चलते चला जाएगा, थोड़ा आपको काम करने से, ये फॉर्मूला सबको बोलिए, टोटल एंटायर कम्युनिटी को धीरे धीरे सबको जगा, ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के सबके पास डैडी जी ने ऐसा गिफ्ट दिया है, ऐसा सेविंग अकाउंट का, ऐसा एक जादू का
मैजिक बॉक्स दिया है ना, वो आपको हर साल जनरेट करके देगा। कोई भी दुनिया में कोई भी कंसेप्ट आप देख लो, ये ऑटो पुल हो जो भी हो, इसका कॉन्सेप्ट किसी का पास नहीं है। आप हार्डवर्क किया, जो कॉइन आप इकट्ठा कर रहे हो हर साल आपको कॉइन देगा लाइफ लाइफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन तक। इसके बारे में थोड़ा सोचना, सिर्फ नेगेटिव होने से हमको अभी चाहिए तुरंत का तुरंत, ऐसा नहीं होता लाइफ। बिजनेस हम लोग भी करोड़ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट का बात दूर का बात है, माइनस में हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना ईयर से, कोरोना से आज तक 3 साल हो गया, संघर्ष ही कर रहे हैं, प्रॉफिट का बात दूर का बात है। थैंक यू सर, ओवर टू।